ये का बवाल है? जब काली वहां खड़ी है तो यह घूंघट में कौन है? गौरी, गौरी तू 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 यहाँ? तूने तो हमें फोन करके कहा था कि तू किडनैप हो गई है। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तू ये दुल्हन के कपड़ों में बताएगा ये सब हो क्या रहा है? काली ये क्या कर रही हो तुम? हमने कब फोन किया तुम्हें कि हम किडनैप हो गए? हमने कोई फोन नहीं किया। इनफैक्ट तुमने खुद हमें इस दुल्हन के कपड़ों में तैयार किया। कहा था ना कि तुम हमें दुखी नहीं देख सकती, और इसीलिए तुमने सैक्रिफाइस किया और हम तैयार हो गए। यू ओनली डिसाइडेड ना कि तुम शादी अटेंड नहीं करोगी। ताकि शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को पता ना चले, क्यों यहां सबके सामने अचानक से आकर What are you doing? पंडित जी, ये आप क्या दिखा रहे? ये तो कल रात की पूजा है। चुप कर ले। मुझे देखने दो। पर युग, ये तो कली। मैंने कहा चुप। युग, हमारी बात समझिए। ये मैंने कहा चुप मतलब चुप। युग, ये सही नहीं है। तो फिर ये क्या है कली? हाँ? क्या है ये? युग, ये कल रात की पूजा है, ये फेरे नहीं है। हम तो कल हवन कुंड की परिक्रमा कर रहे थे, जैसा आपकी दादी ने कहा था। ये आपके परिवार की प्रथा है, इसलिए। पर हमारे यहाँ तो ऐसी कोई प्रथा नहीं है। अरे हम झूठ नहीं बोलते, सीधे सीधे बोल देते हैं। सीधा बोलने की आदत है हमारी। पूरा मन से चौधरी खानदान की बहू माने थे हम तुमको, और अभी भी वही चाहते हैं कि उसी की डोली जाए हमारे घर, जिसकी मांग भराई हुई थी हमारे पोते के हाथों। और कितना झूठ बोलोगी काली? जब तुम युग से ये प्यार करती थी, मुझसे शादी क्यों की? और याद है शादी के बाद तुमने क्या कहा मुझसे? पंडित जी, आप वीडियो चलाइए। जी, चलाता हूं। और काली ने मुझसे कहा कि वो सब जानते हुए भी गौरी और युग के बीच में आई,
उससे पाप हुए और इस पाप का प्रायश्चित वो इस तरह करेगी कि युग और गौरी की शादी करवा दे। गौरी गौरी सच नहीं बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। हम कसम खाते हैं बच्चीबा, ये सब झूठ है। उसने खुद हमें कल मंदिर से आते हुए देखा था। ये झूठ बोल रही है काली, हमने तो तुम्हें कल तुम्हारे कमरे में ही देखा था और तुम्हारे कमरे से बाहर जाते हुए युग को भी देखा था। युग ये सही है ना? ये सच है। युग वो हमारे मंदिर से आने की बात है, उससे पहले हम घर में नहीं थे। पंजीमा आप ही समझाइए ना युग को, आपको तो पता है हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम हमेशा सच बोलते। हमने तुम्हें कमरे से बाहर जाते हुए नहीं देखा सुना। हमारे हिसाब से हम अपने कमरे में सो रहे थे। मंगलसूत्र तो आप ही हमें दे सकते हैं ना? ये तो किसी और का नहीं हो सकता ना? ये वो नहीं है जो हम खरीद के लाए थे। सुनो, कैसे होगा, क्योंकि वो मंगलसूत्र यहां है। पता तो भाई युग, अब कॉर्नर का घर जाना है उस लड़की के साथ जिसके साथ मैंने फेरे लिए। गौरी के साथ मान सम्मान आदर सब कुछ मिलेगा तुम, पर मेरे दिल से कुछ एक्सपेक्ट मत करो।